जय भोलेनाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रिया। तो फ्रेंड्स, ये एडवांस में बोल देती हूँ हैप्पी वैलेंटाइन डे, मगर कुछ मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ। और एक्चुअल में क्या होता है ना कि कोई भी दिन किसी के लिए कोई मोहताज नहीं होता है। हर दिन अपना अच्छा होना चाहिए और प्यार भरा होना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो मैं अपना शुरुआत दिन का की हूँ मंदिर से। दिन नहीं है, यानी कि अभी 3 बज रहा है, तो सब हमें थोड़ा बाहर का काम था। मंदिर आई हूँ सबसे पहले दर्शन करने के लिए, फिर और कहीं जाना है तो वहाँ भी लेकर के जाऊंगी। और बोलते हैं कि वैलेंटाइन डे, अगर उस दिन छुट्टी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मूड ऑफ करना है, टेंशन लेना है, नहीं, इंजॉय कीजिए। जो पल आपको मिले, जिस दिन छुट्टी मिले, उस दिन इंजॉय कीजिए उस दिन को और उस लाइफ को। बोलते हैं कि हर टाइम जो होता है ना बहुत कीमती होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे का सोचकर पीछे का आप छोड़ दें, क्या ठीक है उस दिन देखा जाएगा छुट्टी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हर दिन हर समय अपना है, बस खुशियां जब मिले उसे आपको बटोर लेना है। तो चलिए, मैं भी आज छुट्टी के दिन निकली हूँ, क्योंकि और बहुत कुछ भी है वो भी शेयर करूँगी धीरे धीरे, पर अपनी शुरुआत आज मंदिर से की हूँ, तो मंदिर से ब्लॉग भी स्टार्ट की हूँ। और वो सामने मॉल है फ्रेंड्स, मुझे मेहंदी भी लगवाना था, पर अभी जा रही हूँ कहीं, इस वजह से मेहंदी लगा करके नहीं जा सकते, वो खराब हो जाएगा। चलिए चलते हैं, गाड़ी में कुछ आगे पीछे लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? प्रसाद मिला वो खा कर फिर निकलते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे तो है पर एक दिन होता है ना, तो उस दिन का इंतज़ार ना करें। हर दिन जब छुट्टी हो उस दिन आपके लिए वैलेंटाइन हो सकता है, बस उस पल को आप कैसे निकालें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और वैलेंटाइन का मतलब सिर्फ नहीं है कि सिर्फ कपल लोगों के लिए है, ये फैमिली फ्रेंड किसी के साथ भी जिससे आप बहुत तहे दिल से प्यार करते हो। तो ये तो हमारी सोच है फ्रेंड्स, आप अपनी सोच कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं अभी कहीं मिलने के लिए आई हूँ, तो चलिए आप लोगों से बातें करते करते पहुँच भी गई। ये होटल भी न्यू बना है, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, क्योंकि त्रिमूर्ति आते थे तो बिल्कुल खाली खाली था, अभी तो काफ़ी डेवलप हो गया है इधर। ये पेट्रोल पंप तो पता नहीं था कि नहीं, मगर बहुत कंजस्टेड लगता था, मतलब अजीब सा लगता था। रोड तो इधर से ही कहीं से होगा ना। अच्छा, ये है त्रिमूर्ति और वो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल त्रिमूर्ति आसपास ही है, तो पहले हॉस्पिटल इधर जाते हैं, शायद गाड़ी का पार्किंग कहाँ है पता नहीं, जाके देखते हैं, बाहर ही लगाना होगा। कितना शांति लग रहा है ना अभी दोपहर का टाइम है, तो और छुट्टी का टाइम है ना। यहाँ फ्रेंड्स, ये हॉस्पिटल में आई हूँ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो रीना भाभी की मम्मी यहाँ पे एडमिट है, तो उन्हीं से मिलने के लिए आई थी, बोले चलो छुट्टी है तो मिलकर आ जाते हैं, क्योंकि 1 वीक से एडमिट है। और ये हॉस्पिटल है ना, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, और हॉस्पिटल जैसा नहीं लगता है, लगता है जैसे ना आप घूम सकते हो। गार्डन एरिया और अंदर हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी क्लीन भी है, उतना क्लीन तो घर भी नहीं होता है, बहुत अच्छा है हॉस्पिटल। तो बस यहाँ मम्मी से मिल करके अब जा रही हूँ, पर मम्मी के साथ जो यहाँ लेडीज है ना, जो सेवा करती है, जो केयर टेकर है, उसका बच्चा है, तो वो बोल रहा है कि मैं आपके साथ जाऊँगा, मुझे घर छोड़ देना, तो उसे लेकर के जाऊंगी। पर यहाँ पे मंदिर है त्रिमूर्ति, तो पहले त्रिमूर्ति में जाते हैं, थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद घर उसको छोड़ देंगे। और भी बीच का प्रोग्राम था, पर वो प्रोग्राम अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरे का बच्चा है, तो ज़्यादा देर तक हम अपने पास नहीं रख सकते। यहाँ पे ये जो लेडीज है ना, ये है केयर टेकर, उसका बेटा है, तो वो बोल रहा है साथ में चलने का। चलो बैठो, ठीक है, मैं उतारूंगी ना उसको, तो फिर मैं बात करवा दूंगी, ठीक है? हाँ, अब मैं दे दूंगी उसको 100 रुपया। हाँ हाँ हाँ, चिंता नहीं कर, हाँ बैठ जाओ। क्या क्या लो 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 हाँ। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और त्रिमूर्ति मंदिर बिल्कुल पास में ही है,
तो मैं आई थी यहाँ पे, रीना भाभी यानी मेरी फ्रेंड की मम्मी एडमिट थी, तो मैं बोली चलो मिल लेते हैं और वहाँ पे मंदिर भी जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, उसके बाद थोड़ा गार्डन एरिया है तो वहाँ बैठेंगे। मेरे हस्बैंड अभी इसको थोड़े पैसे दे रहे हैं क्योंकि उसकी मम्मी बोली कि कुछ पैसे दे देना तो बच्चा मतलब छुट्टी के दिन खा पी लेगा। मैं बोली ठीक है, तो वही दे रहे थे। तो यहाँ मंदिर आई, तो यहाँ मंदिर तो मैं पहले भी वीडियो शेयर की हूँ इसलिए फुल डिटेल ज़्यादा यहाँ का शेयर नहीं करूँगी फ्रेंड्स। तो एक्चुअल में हमारी प्लानिंग में थोड़ी चेंजिंग आई क्योंकि हमारा जो प्लान था, पर मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि ये जो बच्चा जो साथ में जा रहा ना, ये केयर टेकर का लड़का है, इसका नाम है कृष्णा, क्योंकि ये मम्मी के पास आया हुआ था पर इसे घर जाने का मन कर रहा था तो बोला कि साथ में मैं जाऊँगा। तो खुशी इस चीज़ की हुई कि कृष्णा कभी भी मंदिर इस मंदिर पे नहीं आया था, तो वो भी बहुत खुश हुआ वहाँ आकर के। तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे सारे भगवान जी हैं, तो यहाँ पे मैं भी दर्शन कर लेती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये मंदिर बहुत बड़ा है, और ये जो अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ ना, तो वो यही हॉस्पिटल है सामने, आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और इधर वो हाईवे जा रहा है और नीचे गार्डन एरिया, और ये ऊपर मंदिर के ऊपर से इस तरह से व्यू दिखता है और काफ़ी खूबसूरत व्यू है। यहाँ लोग छुट्टियों में या ऐसे भी आते हैं, अगर बहुत लोग तो छुट्टी में आते हैं फ्रेंड्स, तो मंदिर में दर्शन भी करते हैं, उसके बाद गार्डन एरिया है तो वहाँ पे बैठते भी हैं, टाइम पास भी करते हैं, और फूड कॉर्नर भी है तो मतलब फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। और मंदिर का भंडारा भी होता है, मतलब लंच डिनर और ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए टोकन लेना होता है। तो मैं ऊपर से व्यू भी देख रही थी, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और देखिए दूर में दिख रहा था कि कुछ लोग बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। और यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, और यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स कृष्णा को ले करके आई हूँ तो थोड़ा खिला पिला दूँ। पानी अंकल ला रहे ना तो पी लेना। आप तो डोमिनोज वगैरह में जो सर्विस करता है ना, वैसे लग रहे हैं है ना। लेना है आपकी मर्जी। और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा चाय पानी हो गया, स्नैक्स वगैरह भी खा ली, अब यहाँ से निकल रही थी। और एक्चुअल में साथ में कृष्णा है ना, तो लगता है कि किसी का भी बच्चा हो उसे डायरेक्ट घर पहुँचा दे, उसके बाद ही फिर कहीं घूमे। क्या नहीं समझी बेटा? हाँ जाते हैं तो फिर बनाते हैं। हाँ हाँ कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वीडियो बनाते हैं, है ना। ऐसे भी तो इधर नहीं आता, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जाने पाते हैं, वो सुंदर माइंड में चला गया। मस्त भी हुआ, मेरे भोले बाबा और गणपति बाबा भी हैं सब। और कृष्णा अपनी मम्मी से बात कर रहा है क्योंकि फ्रेंड्स मैं बोली कि चलो बात कर लो तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि इसकी मम्मी को पता तो चल जाएगा कि हाँ बेटे को मैं घर छोड़ दी हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मैं कभी मिली नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही मिल रही थी और कभी मैं जानती नहीं थी, और फर्स्ट टाइम ही मिली तो लगा कि चलो भाई, होता ना कि किसी की जिम्मेदारी होती है तो पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा दो उसके बाद तसल्ली हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे कि हम लोग किस काम से गए थे और बीच में क्या काम आ गया, पर कोई बात नहीं,
पर कोई बात नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि खुशी भी हो रही थी कि चलो मेरे कारण ही सही, किसी को खुशी तो आज का दिन मिला, क्योंकि वो बच्चा घूम भी लिया और उसे अपने स्कूल की भी चिंता थी कि कहीं स्कूल ना छूट जाए, तो उसका स्कूल भी नहीं छूटेगा, यानी उसकी क्लास मिस नहीं होगी। तो बोलते हैं कि अगर बच्चे खुश तो हम भी खुश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ गई हूँ, कुछ ज्वेलरी शॉप में आ गई, कुछ सामान लेना है तो यहाँ पर ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से लास्ट में वीडियो के एंड में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं तो अब चलते हैं घर। और यहाँ से प्रसाद लेकर के आए थे मंदिर से, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, प्योर घी का बना होता है। यहाँ कुछ गिफ्ट लेना था तो हमारे पास टाइम था, तो बोले कि चलो ये सभी काम कर ही लेते हैं आज, और मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट आया है तो वो भी शेयर करूँगी। तो मैं तो अपना कुछ वैलेंटाइन इस तरह से मनाई, आप लोग कैसे मनाए, कब मनाए, किस तरह से मनाए, वो भी आप लोग ज़रूर बताना। तो ये रिंग कैसा लग रहा है फ्रेंड्स बताना, और आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना ज़रूर। और जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो फ्रेंड्स हैप्पी वैलेंटाइन डे, मिलते हैं कोई अच्छे से ब्लॉग में।